गंगापुर गांव में रहने वाले राम और श्याम बचपन के दो बहुत अच्छे दोस्त थे। पर राम एक गरीब आदमी था, उसे जो भी काम मिलता वह करता रहता था। राम जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अपनी गरीबी से राम और उसकी पत्नी बहुत दुखी थे। इस गरीबी की दशा में राम का बेटा बहुत बीमार हो गया और जो कुछ भी कमाया था सारी धन संपत्ति अपने बेटे मोहन के इलाज में लगा दी। इतना सब करने के बाद भी वह अपने बेटे को बचा नहीं पाया। इस वजह से राम आर्थिक रूप से पहले से और अधिक कमजोर हो गया था। दूसरी तरफ श्याम खेतों का गेहूं बेच बेच कर काफी धन इकट्ठा कर चुका था। एक दिन राम गांव के सेठ के पास काम की तलाश में गया। अरे क्या हुआ राम, यहाँ क्यों आए हो? सेठ जी, मैंने सुना है कि आप अपने खेत में खुदाई का काम करवा रहे हैं, तो क्या आपको उसमें लोगों की जरूरत है? लेकिन मैंने अपने खेतों में तो बहुत सारे मजदूर लगा रखे हैं। सेठ जी, मुझे काम की बहुत अधिक जरूरत है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन तुम इतने कमजोर हो, भारी काम कैसे करोगे? तुम्हारे लिए यह बहुत मुश्किल होगा, तुम काम नहीं कर पाओगे। सेठ जी, आप कोई हल्का काम दे दो, आप जैसे भी करके मुझे कोई भी काम दे दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सेठ सोचने लगा कि राम की हालत का फायदा उठाया जा सकता है। देख राम, मेरे पास कोई और काम नहीं है, अगर फिर भी तुम काम करना चाहते हो तो मेरे खेतों की फसल काट सकते हो। मैं लोगों को इस काम के बदले में 300 रुपए देता हूँ, लेकिन तुम्हें मैं सिर्फ 70 रुपए दूंगा, क्या तुम ये काम करोगे? नहीं सेठ जी, 70 रुपए बहुत कम हैं। इससे तो घर का राशन भी नहीं आएगा, आप कुछ और दाम बढ़ा दीजिए ना। मैं तो सिर्फ 70 रुपए ही दूंगा, तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। सेठ की ऐसी बातें सुनकर राम दुखी होकर अपने घर लौट आता है। अरे आज कोई काम मिला या नहीं? आपको देखकर लग रहा है कि आज भी आप खाली हाथ ही लौटे हैं। कब तक मैं घर को चलाती रहूंगी? मेरी तो किस्मत ही फूटी थी कि जो मैंने आपसे शादी की, शादी से पहले तो बड़े बोल रहे थे ना कि यह करूंगा वह करूंगा। करो, मैं भी देखती हूँ क्या करते हो। जो कुछ भी पैसा कमाया था वह भी अपने बेटे के खर्च हो गया। अरे सीता, तुम्हें तो पता है ना, गरीब होने की वजह से सभी लोग मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। और आज तुम्हें पता है, सेठ जी मुझे दिन भर काम करवाने के बदले में सिर्फ 70 रुपए ही दे रहे थे। आज तुम ही बताओ, आखिर मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ काम मांगने के लिए? ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे घर का गुजारा नहीं कर सकती। घर में खाने को भी एक रोटी तक नहीं है, मैं बहुत मुश्किल से घर का गुजारा कर रही हूँ। हाँ भाग्यवान, मैं क्या करूँ, सब लोग अपने अपने खेतों में काम करते हैं, लेकिन मेरे पास तो मेरा खेत भी नहीं है। मोहन के इलाज में सब कुछ बिगड़ गया। मुझे कुछ नहीं पता, तुम आज के आज ही काम ढूंढ लो, नहीं तो जिस हिसाब से हमारे घर का यह हाल है उस हिसाब से तो जल्दी ही हम लोग भूख से मर जाएंगे। अरे हाँ सीता, तुम ऐसा मत बोलो, मैं जल्दी ही कुछ न कुछ कर ही लूंगा, तुम बस भगवान पर भरोसा रखो और मैं कल फिर से घर से बाहर जाऊंगा, कोई न कोई काम तो मिल ही जाएगा। फिर अगले ही दिन सुबह होने पर राम काम की तलाश में घर से निकल पड़ता है। हे भगवान, आज मुझे कोई न कोई काम दिला ही देना, क्योंकि मैं खुद तो भूखा रह सकता हूँ लेकिन अपनी पत्नी को भूखा नहीं रख सकता, इसलिए भगवान आज मुझे कोई न कोई काम दिला ही देना। तभी राम को रास्ते में उसका बचपन का दोस्त श्याम मिल जाता है। और भाई राम, क्या हाल है तुम्हारा, और कौन सी दुनिया में खोए रहते हो आजकल? अरे क्या बताऊं मैं तुम्हें श्याम, तुम तो जानते ही हो ना कि मैंने अपने बेटे मोहन को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है और मैं बेरोजगार हूँ, कोई मुझे काम पर भी नहीं रख रहा, अभी मैं काम की ही तलाश में भटक रहा हूँ। अरे बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं हूँ ना। लेकिन इसमें तुम मेरी कैसे मदद कर सकते हो? मैं गांव की जमीन बेचकर शहर जाने का सोच रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें वह जमीन दूंगा जिसमें तुम खेती कर सको, और जो कुछ मुनाफा होगा अपना आधा आधा बांट लेंगे। क्या तुम सच कह रहे हो श्याम? हाँ मेरे दोस्त, तुम कल से ही काम पर लग जाना, फिर देखना तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। श्याम तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। अरे इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है राम, तुम अपने घर जाओ और अब तुम्हें कोई काम ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम अपने घर जाओ और सीता को सब कुछ बता दो।
फिर राम खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आता है और घर पहुंचकर राम सारी बात अपनी पत्नी सीता को बताता है। फिर अगले ही दिन से राम श्याम के खेत में काम शुरू कर देता है और राम बहुत मेहनत से श्याम के खेतों में काम करता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और फसल कटाई का समय आ जाता है। अरे वाह राम, तुमने तो बहुत ही मेहनत की है, इतनी अच्छी फसल हुई है अपनी। हाँ यार, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब वह दिन आने ही वाला है जब हम इस फसल को काट कर बाजार में बेच देंगे और फिर उन पैसों से मेरे घर की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। फिर कुछ ही हफ्तों में राम और श्याम फसल की कटाई करके उसे बाजार में बेच देते हैं और उन पैसों को आधा आधा बांट लेते हैं। अरे भाई श्याम, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इतना कुछ कर पाया हूँ। अगर मेरे बुरे वक्त में तुमने साथ नहीं दिया होता तो आज न जाने क्या होता। तुम्हारा यह एहसान मैं जीवन भर। कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपनी जमीन दी थी। उस जमीन पर मेहनत तो तुमने ही की है, अगर तुम मेहनत नहीं करते तो आज यह सब नहीं होता। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। श्याम के खेतों में काम करने की बात सेठ को पता चल जाती है। मैंने राम को काम पर नहीं रखा और वो साला श्याम के खेत में काम कर रहा है, अब इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। क्यों न मैं श्याम को लालच देकर उसकी सारी जमीन खरीद लूं? लेकिन श्याम राम का सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए श्याम मेरी बात नहीं मानेगा। कोई बात नहीं, क्यों न मैं सीधे श्याम की पत्नी पूनम से ही यह बात करूं। अरे भाई श्याम, क्यों न तुम अपनी पत्नी और बच्चों को खाने पर मेरे घर लाओ, बहुत दिन हो गए हैं एक साथ खाना खाए हुए। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरा भी बहुत मन था। फिर राम घर चला जाता है। आपका काम कैसा चल रहा है? अरे भाग्यवान, काम तो बिल्कुल अच्छा चल रहा है। बस मैं यही सोचता हूँ कि श्याम मुझे उस दिन नहीं मिला होता तो उसके खेतों पर काम करने का मौका नहीं मिलता और भगवान जाने हमारा क्या होता। मैं श्याम का यह एहसान कभी नहीं भूल सकता हूँ। हाँ जी, आपका दोस्त बहुत अच्छा इंसान है, उन्हीं की वजह से हम लोग दो वक्त का खाना खा पा रहे हैं। अरे हाँ भाग्यवान, खाने से याद आया कि मैंने श्याम और उसके परिवार को अपने यहाँ खाने पर बुलाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, श्याम भाई हमारे यहाँ खाने पर आएंगे। लगता है इस बार तुम्हारी फसल बाकी गांव वालों के मुकाबले काफी अच्छी होगी। अरे राम भाई, क्यों अच्छी नहीं होगी, ये तो तुम्हारी मेहनत का फल है ना। राम और श्याम दोनों आपस में बातें कर रहे थे और उधर से श्याम के घर चला जाता है। अरे राधा बहन, क्या हाल है आपके और माता पिता से ऐसे? अरे सेठ जी, आप यहाँ बताइए क्या बात है और यहाँ कैसे आना हुआ? अरे राधा बहन, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं ऐसा कह रहा था कि तुम श्याम को समझाओ और अपनी यह जमीन मुझे बेच दो और अपने परिवार को लेकर शहर चले जा। वैसे भी गांव में है ही क्या, ना यहाँ कोई अच्छी स्कूल है और ना ही अच्छा अस्पताल है, और गाँव में किसी भी चीज की कोई सुविधा भी नहीं है। तुम तो पढ़ी लिखी हो और गांव में क्या कर रही हो, श्याम को समझाओ और शहर चली जाओ। वह नहीं मानेंगे क्योंकि उसका दोस्त हमारी उस जमीन पर खेती कर रहा है। राधा बहन, मैं इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे पता है कि श्याम मेरी बात नहीं मानेगा, अगर तुम उसे समझाओगी तो वह जरूर मान जाएगा। दूसरों के बारे में सोचने से पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए, और देख लो वो तुम्हें उस जमीन को नहीं बेचेंगे क्योंकि उस जमीन से ही उसके दोस्त राम का घर चल पाता है और वह अपने दोस्त को भाई से भी बढ़कर मानता है। अरे राधा बहन, तुम कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो, आज के समय में सगा भाई भी अपना नहीं होता, जबकि वह तो श्याम का दोस्त है, और तुम्हें तो पता ही है ना कि अपना श्याम बहुत सीधा है, राम ने उसे अपनी बातों में फंसा रखा है। तुम जैसे लोग किसी के सगे नहीं होते, सही समय आने पर सब कुछ लूट लेते हैं। सेठ जी की बात सुनकर राधा सोच में पड़ जाती है। लगता है राधा मेरे जाल में फंस गई। अरे क्या हुआ राधा, तुम सोच में पड़ गई हो, देख लो मैं तुम्हें उस जमीन की बहुत अच्छी कीमत दे सकता हूँ। हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज शाम को ही उनसे इस बारे में बात करूँगी। फिर सेठ वहाँ से चला जाता है और फिर शाम को श्याम दिन भर थकान के बाद घर वापस आता है। सुनो जी, अब मुझे गांव में नहीं रहना है क्योंकि इस गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं है और ना ही कोई अच्छा अस्पताल है, मुझे इस गांव में नहीं रहना है। तुम अपनी जमीन बेच दो और शहर में एक नया मकान खरीद लो।
ये सब मैं भी सोच चुका था, पर राधा तुम्हें तो पता ही है ना कि अपनी उस जमीन पर मेरा दोस्त राम खेती करता है और उसका घर अपने खेत में काम करने की वजह से ही चल पाता है। वह सब तो ठीक है, लेकिन आपको पता है सेठ अपनी उस जमीन की मुमांगी कीमत दे रहा है, तो फिर आप उस जमीन को बेच क्यों नहीं देते? ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलेगा? लेकिन राधा, मैं अपने दोस्त को ऐसा धोखा नहीं दे सकता। राम मेरा बचपन का दोस्त है और साथ ही मेरा भाई है। अगर मैंने अपने खेत बेच दिए तो राम बेचारा किसके पास काम करेगा? बड़ी मुश्किल से दो वक्त का खाना खा रहा है। वो हमारी तरह अमीर नहीं है। आप कब तक उसके बारे में सोचते रहोगे? अपने खुद के भविष्य के बारे में भी तो थोड़ा सोच लो। यहाँ ना कोई अच्छी स्कूल है और ना ही कोई अच्छा अस्पताल है। राधा, तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मैं अपने दोस्त को इस तरह धोखा नहीं दे सकता। अरे, आप तो हमेशा से ही भोले हो, इसलिए लोग आपको लूट लेते हैं। आपको लोगों की चालाकी के बारे में कुछ नहीं पता। आज आप उसकी वजह से मुझसे बहस कर रहे हो। जब वह अपनी जमीन पर कब्जा कर लेगा तब आपको मेरी बात समझ आएगी। मेरी बात मानो, उस जमीन को सेठ को बेच दो। और आप तो थोड़ा सोचो, वह राम कितना चालाक है। जमीन भी अपनी, बीज भी अपना और बाकी खर्च भी अपने, लेकिन फिर भी आपसे ज्यादा हिस्सा राम ले जाता है। अगर यह सौदा राम को मिलता तो क्या वह आपके बारे में सोचता? मुझे लगता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे जमीन बेच देना चाहिए और शहर चले जाना चाहिए, और शहर में सभी प्रकार की सुविधाएं भी मिल जाएंगी, और वैसे भी मेरे लिए दोस्ती से बढ़कर मेरा परिवार है। मैं कल ही राम को खेतों में काम करने के लिए मना कर दूंगा और कल ही सेठ जी के पास जाकर जमीन को बेच दूंगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर श्याम राम से मिलने के लिए खेतों पर जाता है। आओ आओ श्याम भाई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हें याद है ना, आज शाम को तुम्हें अपने परिवार को लेकर मेरे घर आना है, और सीता ने तो रात के खाने की तैयारी भी कर ली होगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर खाना खाने नहीं आऊँगा, और मैं ये बोलने आया था कि तुम कहीं और काम देख लो, क्योंकि मैं और राधा और बच्चे सभी चाहते हैं कि मैं ये जमीन बेच दूं और हम सब यहाँ से हमेशा के लिए शहर चले जाएं। और देखो राम, अब मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। अरे श्याम, तुम ये क्या बोल रहे हो? अगर तुम ये जमीन बेच दोगे तो मैं क्या करूँगा, और क्या होगा मेरा और मेरे परिवार का? मुझे थोड़ा समय दो, मैं कहीं और जाकर काम ढूंढ लूंगा। नहीं नहीं राम, मैं आज शाम को ही सेठ जी के पास जाकर अपनी जमीन का सौदा कर लूंगा, और फिर हम सब जल्दी ही शहर चले जाएंगे। और देखो राम, मैं तुम्हारे लिए जितना कर सकता था मैंने तुम्हारे लिए उतना किया, अब मैं इससे ज्यादा तुम्हारे लिए नहीं कर सकता हूँ। और तुम्हें पता है अभी सेठ मुझे इस जमीन की मुंह मांगी कीमत देने को राजी है, इसलिए हम सब इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकते हैं और हमें जल्दी से जमीन बेचकर शहर चले जाना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तुम परेशान मत हो, मैं अपने लिए और कोई काम ढूंढ लूंगा। तुमने इतनी मदद की, मेरे लिए इतना ही काफी है। फिर राम घर चला जाता है। अरे, आप तो बहुत जल्दी ही घर आ गए। और आप ही बताओ, आज शाम को श्याम और उसकी पत्नी राधा के लिए खाने में क्या बनाऊं? लेकिन राम सीता की बात का कोई जवाब नहीं देता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बात है, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? सब ठीक तो है ना? बताओ ना, क्या हुआ? फिर राम सीता को सारी बात बता देता है। यह आप क्या बोल रहे हैं? अब हम क्या करेंगे? बड़े ही मुश्किल से तो हमें श्याम का सहारा मिला था। हे भगवान, आपने ये क्या किया, अब हम क्या करेंगे? भाग्यवान, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, और वैसे भी श्याम ने हमें ऐसे समय पर साथ दिया था, मैं उनका यह उपकार कभी नहीं भूल सकता हूँ। और फिर दूसरी तरफ श्याम ने अपनी जमीन को बेचने के लिए सेठ जी के पास पहुँच जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। क्या रे, तुम्हें पता है मैंने राधा को बहुत अच्छी तरह से भड़का दिया है, कुछ ही दिनों में श्याम मुझे अपनी जमीन बेचने के लिए आएगा, फिर पता चलेगा उस राम को कि मैं क्या चीज हूँ। यहाँ से काम को ठुकरा कर गया था ना, अब उसे उसकी औकात पता चलेगी। सेठ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, और श्याम की जमीन वैसे भी बहुत उपजाऊ है,
और मैंने सुना है कि इस साल भी श्याम की जमीन पर सबसे ज्यादा अनाज हुए थे। नौकर और सेठ की बातें श्याम बाहर से सुन लेता है, तो वह वहाँ से सीधा अपने दोस्त राम के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। अरे कोई बात नहीं मेरे दोस्त, वह कहते हैं ना, सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों के साथ कभी भी बुरा नहीं होता, हमेशा सच्चाई की जीत होती है।